मणिपाल प्रोग्राम क्या होता है, इस प्रोग्राम के बाद जो मुझे जॉब मिलेगी क्या वो परमानेंट होगी, मणिपाल प्रोग्राम के बाद मिलने वाली जॉब में मेरी सैलरी क्या होने वाली है, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस को लेकर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक। अति गर्मी के बाद हमें दो चीज़ों का इंतज़ार रहता है, एक तो है बरसात और दूसरा है हमारे वैकेंसीज। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो हमारे लिए खुशखबरी ये है कि रीजनल रूरल बैंक्स के बाद IDBI ने भी अपनी PO की वैकेंसीज निकाल दी हैं, लेकिन ये PO की वैकेंसीज उसने मणिपाल प्रोग्राम के थ्रू निकाली हैं। फेमसली हम लोग इस वैकेंसी को मणिपाल प्रोग्राम के नाम से ही जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मणिपाल प्रोग्राम होता क्या है। देखिए, बेंगलोर में एक मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग है, IDBI और उन दोनों के बीच एक टाइप है। IDBI ने जो वैकेंसीज निकाली हैं उसके तहत मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग आपको 9 महीने की एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये ट्रेनिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर में होगी और इस ट्रेनिंग के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर रिक्रूट करा जाएगा अगर आप उनके सभी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद 3 महीने आपको IDBI की अलग अलग ब्रांचेस में रखा जाएगा जहाँ पर आपको रियल टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में रिक्रूट कर दिया जाएगा, पोस्टिंग दे दी जाएगी। सैलरी की जहाँ तक बात करें तो 9 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें 2,500 रुपीज़ आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। उसके बाद 3 महीने जब आप ब्रांच में जॉब कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम पर होते हैं, तब आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। और ये 1 साल का प्रोसीजर पूरा करने के बाद आपको 27,000 बेसिक पेपर एज अ असिस्टेंट मैनेजर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन कई सारे लोगों के मन में चलता रहता है कि क्या मुझे मणिपाल प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। देखिए, ऐसे कई सारे बैंक हैं जो अब IBPS में डायरेक्टली पार्टिसिपेट ऑफिसर ग्रेड के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये बैंक अपनी अलग से वैकेंसीज निकाल रहे हैं और इस प्रोग्राम को पूरा करने के बाद आपकी जो पोस्टिंग होती है वो एज ए असिस्टेंट मैनेजर ही होती हैं, जो कि उतनी ही बेहतर हैं जितना कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो आप बिल्कुल इसमें कोई शक ना करें, कोई संदेह ना रखें, आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। 23 जून से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है जो कि 3 जुलाई तक चलने वाली है। फॉर्म फिलिंग के बाद 27 जुलाई को आपका रिटर्न टेस्ट होगा और उस रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आपका एक इंटरव्यू होने वाला है। अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करें तो देखिए, प्री और मेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। आपको एक ही एग्ज़ाम देना है जो कि है सीधा आपका मेंस का और उसके बाद सीधा हो जाएगा आपका इंटरव्यू। अगर पेपर में क्या क्या आने वाला है इसका डिस्कशन हम लोग करें तो देखिए, रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारा आपका एक ही सेक्शन में आएगा जो कि 60 मार्क्स का आपका बनने वाला है। मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसके बाद आपका सेकंड फेज रहेगा। 40 नंबर के क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद 40 नंबर का आपका इंग्लिश और एट लास्ट 60 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग वाला सेक्शन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। यहाँ पर एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और जो कि है एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम सेंटर हर शहर में नहीं है। सामान्य तौर पर जो भी स्टेट्स के कैपिटल हैं वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स को रखा गया है। जैसे MP का एग्ज़ाम सेंटर जो है वो केवल भोपाल है। प्रिपरेशन करते हुए एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि 2 घंटे का आपको कंपोजिट टाइम मिलने वाला है, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर नहीं है। और माइनस मार्किंग जैसा कि हर बैंकिंग एग्ज़ाम में रहती है 1/4 ही है या फिर 0.25 भी हम लोग इसको कह सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एज जो है वो 21 साल से 28 साल तक का कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट हो वो ये फॉर्म भर सकता है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी डिसिप्लिन में चल जाएगा, फिर चाहे आपका ग्रेजुएशन साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या कोई और एक्विवेलेंट डिग्री आपके पास हो, सभी चीज अगर इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो आपका 21 साल से 28 साल का एज है ये 1 जून को काउंट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, कट ऑफ डेट्स जो हैं वो 1 जून 2019 को है
नोटिफिकेशन में एक बात और लिखी गई है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फाइनल ईयर रनिंग है या जिनका फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखिए उसकी डेट भी 1 जून ही रखी गई है जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 30 ईयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 33 ईयर्स की अगर उनकी एज है तब तक वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोर्स फीस की अगर बात करें तो 3,50,000 रुपये इस कोर्स की फ़ीस है जिसको आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। अगर आप खुद से ये फ़ीस भरना चाहें तो भी आप दे सकते हैं, साथ ही साथ बैंक के थ्रू भी जो कि IDBI ही है आपको लोन भी प्रोवाइड कर सकता है अगर आप लोन के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं। आप लोन लेते हैं तो जब आप बैंक को ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी में से उसका इंस्टॉलमेंट एज एन इंस्टॉलमेंट वो आपका पैसा कटता रहेगा, तो आप लोन ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये शंका है कि IDBI ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो देखिए हमारे तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी IDBI में जॉब कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख दें, उसका सॉल्यूशन हम लोग आप तक पहुंचा देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।